लो भाई, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अनुराग डोभाल यानी कि अपने यूके राइडर वो मुंबई आ रहे हैं। खबरें ये हैं सोर्स के मुताबिक कि अनुराग मुंबई आ रहे हैं और हो सकता है कि वो शो में वीकेंड के वार पे एज अ गेस्ट अपीयरेंस करें, यानी कि वीकेंड के वार पे सलमान खान के साथ वो स्टेज पे आए और कुछ कॉन्वर्जेशन इनके बीच में हो या कोई बातचीत हो, या फिर एज अ कंटेस्टेंट तो नहीं आ रहे ना अनुराग। जी हाँ, तो ये खबरें अभी कंफर्म नहीं है कि अनुराग किस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर वो शो में आते हैं तो एज अ गेस्ट ही आएंगे, कंटेस्टेंट नहीं आ सकते, क्योंकि अनुराग अपनी फैमिली से मिल चुके हैं और बाकी लोगों से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो बिग बॉस वाले ऐसा तो काम नहीं करते हैं कि लोगों को बाहर अपनी फैमिली से मिला के उसके बाद वापस कंटेस्टेंट के तौर पर लेके आए। तो एज अ कंटेस्टेंट अनुराग नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हाँ खबरें ये हैं कि बिग बॉस के घर में अनुराग डोभाल की एंट्री हो सकती है एज अ गेस्ट स्टेज पे सलमान खान के साथ, जहाँ पे वो सलमान के साथ कुछ बातें करें, सलमान उनकी टांग खिंचाई करें, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये एज पर सोर्स है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है, सुनने में ऐसा आ रहा है। आप देखिए वीकेंड के वार पे क्या कुछ होता है। वैसे इस बार का वीकेंड का वार बहुत धमाकेदार होने वाला है भाई साहब, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक कुमार को एग्जिट कराया गया है शो से और जैसे जनता उनके साथ खड़ी है, बाहर सेलिब्रिटीज़ उनके साथ खड़े हैं, ऐसे में अभिषेक को वापस ले आना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात है जो कि मेकर्स कर रहे हैं। अभिषेक को री एंटर करा रहे हैं शो में और ये सब कुछ हो रहा है। तो भाई आप देख सकते हो कि बैक टू बैक बिग बॉस ने चार लोगों को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया। मतलब आप देखो रिंकू, नील, अनुराग, अभी अभिषेक, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग घर से बाहर गए हैं, लेकिन हाँ अभिषेक लकी हैं जो वापस आ रहे हैं। चलिए बाकी देखिएगा, लिखिएगा आपको क्या कुछ कहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।